हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़ मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास एट की साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसके हम एम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन इज़ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड कहां पर है ए ऑप्शन है राजस्थान बी इज़ करनाल सी इज़ बिहार एंड डी इज माथुरा सो वॉट शुड बी द आंसर इट्स करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन करनाल नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटिंग मेच्योर क्रॉप्स मैनुअली और बाय अ मशीन इज कॉल्ड जब फसल पक जाती है उसको मैनुअली या फिर मशीन के थ्रू कटिंग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑप्शन आर ब्रॉडकास्टिंग बी इज बीटिंग सी इज़ हार्वेस्टिंग एंड डी इज विनोइंग इट्स सी हार्वेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिग्ञान ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड वैन इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया और कब किया ऑप्शन आर सत्येंद्रनाथ बोस महात्मा गांधी एम एस स्वामीनाथन एंड जवाहरलाल नेहरू आंसर इज एम एस स्वामीनाथन ये इनका पिक है और इन्होंने 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन की इंडिया में स्टार्ट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर ऑप्शन है व्हीट ग्राम ऑप्शन बी इज पी मास्टर नेक्स्ट इज कुकुम्बर वाटरमेलन एंड डी इज़ एंड मेज Its answer is D, paddy and maize. Next question. Examples of rubby crops are. Rubby crops ke examples are wheat, gram. Next is pea, mustard. Next is cucumber, watermelon. And option D is both one and two options. So its answer is option number D. That is these two wheat, gram, pea, mustard. All these are the examples of ruby crops. Next question. The term agriculture is derived from two Latin words. First is agri plus culture. Second is agar plus cultura. Third is agro plus culturo. Fourth is agir plus culture. And its correct answer is B. That is agar plus cultura. Agar means fields and cultura means cultivation. सो इट मीन्स की फील्ड में कल्टिवेशन को एग्रीकल्चर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्मी कंपोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शंस आर ए कॉकरोच बी अर्थ वॉम सी लीच डी सेंटिपीड एंड इट्स करेक्ट आंसर इज बी अर्थवॉम नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टूल एंड लेबल इट यहाँ पर जो एक टूल दिया गया है ये क्या नाम है इसका और इसको हमें लेबलिंग करनी है यहाँ पे आपको इसमें लेबलिंग करनी है कि क्या आएगा तो ये जो टूल है दिस इज कॉल्ड हो और आपको ये लेबलिंग अपनी रफ कॉपी में इसको डायग्राम को ड्रॉ करके आप तब इसकी लेबलिंग खुद से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अ फार्मर सोस पीस इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप ऑफ राइस विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज ही डूइंग कि एक किसान है जो पहले पीस फील्ड में ग्रो करता है और उसके हार्वेस्टिंग उसके कट जाने के बाद वो राइस लगा देता है तो इस टाइप की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं ऑप्शंस आर मल्टीपल क्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन फील्ड फैलो एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग तो इसमें से आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा दिस इज बी क्रॉप रोटेशन इसमें क्रॉप जो है वो अलग अलग तरीके की लगाई जा रही हैं जैसे पहले उसने पी लगाया फार्मर ने उसके बाद राइस लगाया और उसके बाद जब वो नेक्स्ट लगाएगा तो वो कोई और दूसरे टाइप की क्रॉप को वो, वो सेलेक्ट कर सकता है इससे क्या होता है कि फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है अदरवाइज़ किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए फील्ड जो है वो डिप्राइव हो जाता है अगर हम एक ही फसल लगाते रहेंगे तो जो उस प्लांट को चाहिए न्यूट्रिएंट, वो उसमें डेफिशिट हो जाएगा आई होप आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगा होगा अगर मेरी वीडियोज़ आपको इंफॉर्मेशनल लगती है देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल